मेंडल ने अपना वर्क तो 1866 में पब्लिश करवा दिया था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर जर्नल नहीं थी। उनका वर्क दोबारा रिपब्लिश हुआ 1901 में। तो लोगों को यह समझ आया कि भाई इनका वर्क इतने ड्यूरेशन के लिए कारा हिडन रहा, और ये कम नहीं है। अब कैलकुलेट कर लो कितना ईयर है ये हिडन रहा। इतने सालों तक मेंडल का वर्क हिडन रहा क्यों, कोई लोग क्यों नहीं समझ पाए? और दिस इज एक्चुअली द हिडननेस ऑफ मेंडल, नॉट द फेल्योर ऑफ मेंडल। कई बुक, कई लोग कहते हैं कि दिस द फेल्योर ऑफ मेंडल। ठीक है, आप कह सकते हैं पर्टिकुलर समय के लिए मेंडल फेल्योर हुए, लेकिन बाद में वही मेंडल तो पॉपुलर हो गए ना। तो ऐसा बोल सकते हो आप, मोर करेक्ट वर्ड क्या होगा, दिस द हिडननेस ऑफ मेंडल, कि मेंडल उस टाइम तक पॉपुलर नहीं हो पाए। क्या कारण रहा? कई सारी कारण है, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसको मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। और ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बोर्ड में भी और नीट में भी, कि बताइए व्हाट इज द रीजन फॉर हिडननेस ऑफ मेंडल्स वर्क। तो सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया ना, मेंडल साइंटिस्ट नहीं थे। मेंडल तो जस्ट एक वर्कर थे चर्च में। जब मेंडल साइंटिस्ट नहीं थे, तो वो अपने काम को लेके खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे, श्योर नहीं थे, क्योंकि अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं था। आप साइंटिस्ट है तो आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड होगा ना जी। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच से बात करेंगे आप साइंटिफिक अप्रोच से काम भले किए, लेकिन आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं था। थोड़ी से कुछ कमेंट करने पे भी आपको लगता था कि मेरा वर्क शायद परफेक्ट नहीं है, आप अपने वर्क को लेकर श्योर नहीं थे, क्योंकि तो आप साइंटिस्ट नहीं थे, इसीलिए। तो एक बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा, एक सबसे बड़ा कारण ये है, जिस समय मेंडल का ये वाला वर्क पब्लिश हुआ था 1866 में, उसी समय के आसपास, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का सबसे बड़े शख्स चार्ल्स डार्विन, उसी समय के आसपास चार्ल्स डार्विन की भी एक बुक पब्लिश हुई थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपको एक बात पता है, ये जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक पब्लिश हुई थी ना उस समय ही, उसी ईयर के आसपास, ये दुनिया की सबसे ज्यादा कॉपी बिकने वाली किताब थी। और इससे डार्विन का पॉपुलैरिटी पता चलता है। जिस दिन ये बुक प्रिंट हुई थी ना, उसके अगले दिन मार्केट में बुक शॉर्ट हो गया था। और ये आपको पता है, ये 1866 के आसपास ये किताब, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई थी, फर्स्ट एडिशन चार्ल्स डार्विन के मौजूदगी में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2012 तक इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। जितना कॉपी साइंटिफिक बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बिका 2012 तक, उतना कॉपी किसी का नहीं बिका है एनुअली। 2012 में हैरी पॉटर ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है, 2012 तक तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नंबर वन पे चल रहा था, इतना ज्यादा पॉपुलर किताब था ये। और अब तो खैर सारे लैंग्वेज में ये किताब आ चुकी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपको भी कभी फुर्सत मिले ना, तो आप जब वो इधर उधर की बातें आप पढ़ते हो, देखते हो, तो आप ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ के देखना, मजा आएगा। बहुत सुंदर किताब है वो, ठीक है। तो उस टाइम, क्योंकि अब आप सोचो कि 1866 के आसपास वो किताब छपी है, 2012 तक रिकॉर्ड बना के रखा हो, तो सोच कर देखो कि जिस टाइम उसकी फर्स्ट कॉपी आई होगी, तो लोग कितना इंटरेस्ट हो गए लेके पढ़ रहे होंगे। पूरी दुनिया, आम पब्लिक से लेके साइंटिफिक पर्सन तक, सब कोई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे दिन रात लगा हुआ था, क्योंकि भाई एक नया कंसेप्ट आया था यार, कि बंदर से इंसान कैसे बने। लोग को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि उसको पढ़े। और ये मेंडल की जो वर्क पब्लिश हुई थी, ये मेंडल के वर्क को कोई पढ़ा ही नहीं, मेंडल के वर्क को कोई देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। हाँ जी, तो सभी लोग उस टाइम डार्विन को समझने में व्यस्त थे, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने में। बाई चांस किसी साइंटिस्ट के घर अगर ये मेंडल वाला जो जर्नल था वो पहुंचा भी है, उसकी एक कॉपी गई भी है उनके घर पर, तो वो उसको पढ़ने के बजाय ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने में ज्यादा व्यस्त थे। और एक ये कारण माना जाता है कि पॉपुलरिटी ऑफ डार्विन की वजह से मेंडल का वर्क हिडन रह गया, और फिर बाद में लोग भूल ही गए कि मेंडल के काम को भी देखना है, पढ़ना है। अब जिन लोगों के घर मेंडल का भी जर्नल पहुंचा एक कॉपी, और डार्विन का भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का एक कॉपी पहुंच गया, तो उसको लगा कि अरे यार क्या मेंडल बात कर रहा है, ये मैथ वैथ घुसा दिया बायोलॉजी में, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसको हटाओ। उसको लगा ये पढ़ो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे, तो ये थोड़ा मजेदार कहानी है। और फिर बाद में उन्होंने कभी भी मेंडल के जर्नल को छुआ ही नहीं, उनका जिस जर्नल में वर्क पब्लिश हुआ।
हटा ही दिया, पढ़ाई नहीं। वो तो मैंने क्या बोला, वो तो 1900 में ह्यूगो डेविस, ईडब्ल्यू और कार्ल स्कॉरेंस ने उनको दोबारा वर्क, उनको वर्क करना था हाइब्रिडेशन पे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कोई किया तो नहीं है ना। उस चक्कर में उन लोगों ने मेंडल का पूरा जर्नल पूरा पढ़ा है, उनका आर्टिकल पढ़ा है, नहीं तो उन लोग भी नहीं पढ़ते। अगर उन लोग को पढ़ना था तो पहले से क्यों नहीं पढ़े थे, बचपन 1900 में क्यों पढ़े आके, पहले से पढ़ लेते ना, जब छपा था देखते 1866 में पढ़ लेते, 1900 में आके क्यों पढ़े। ठीक है, मान लिया पैदा नहीं हुए थे, तो पैदा नहीं होते तो 1900 में साइंटिस्ट कैसे बन गए, पैदा होते ही साइंटिस्ट नहीं बन गए ना। वो लोग तो एक्चुअल में साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डेविस तो बड़ा नाम है, कार्ल स्कॉलर्स का भी छोटा मोटा नाम नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो ये लोग तो पैदा तो हो ही चुके होंगे ना उस टाइम, तो 1900 में आगे क्यों पढ़े। तो सोचो ना कि ये कहीं ना कहीं इत्तेफाक है कि उनको पढ़ना पड़ा भाई मजबूरी, लेकिन हाँ ये है कि उनकी ईमानदारी को भी दाद देना पड़ेगा। उन लोगों ने, मेंडल ने जो कुछ भी किया था उसका पूरा क्रेडिट मेंडल को दिया, ये इसको कहते हैं ईमानदारी, इसको कहते हैं। आज तो क्या होता है कि छोटी सी काम में अगर आपने किसी का हेल्प किया है और आपके साथ कोई दोस्त था तो दोस्त क्रेडिट ले लेना चाहता है कि उसने हेल्प किया है छोटी सी काम में, और सोचो इतना बड़ा दर्जा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा मिलने वाला था, और इन लोगों ने कहा नहीं हम लोग नहीं लेंगे, ये दर्जा उन्हीं को मिलना चाहिए, उन्हीं का काम है। इन लोगों ने भी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ह्यूगो डेविस तो आपको पता ही होगा म्यूटेशन में कितना बड़ा रोल है इनका, पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। ये लोग कोई छोटा मोटा आदमी थे क्या, ये लोग बहुत बड़े आदमी थे ये लोग, ठीक है। तो तब जाके ये कारण माना गया कि मेंडल का एक हिडननेस का कारण है डार्विन का पॉपुलैरिटी। तीसरा कारण क्या है मेंडल के हिडननेस का, भाई साहब ये पहला ऐसा आदमी था जो बायोलॉजी की फील्ड में मैथ और स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट को यूज कर लिया। उस समय के साइंटिस्ट को ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी कि मेंडल कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या कहता है, समझ नहीं आ रहा था, कुछ जानता नहीं था बायोलॉजी वाला आदमी उस टाइम मैथ और स्टैटिस्टिक्स जैसी चीजों को। आज तो आपको अगर बायोलॉजी में हायर स्टडीज में जाना है, एटलीस्ट रिसर्च लेवल तक जाना है, तो आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज लेना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आपको हायर स्टडीज में आके पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप थोड़ा रिसर्च रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब तो खैर कंपल्सरी कर दिया गया है, उस टाइम तो था ही नहीं ये चीज, तो कारण ये। चौथा कारण आपकी एनसीईआरटी ही कहती है, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। तो इस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या, मोबाइल ना। वो जिस पर्टिकुलर जर्नल में उन्होंने अपना वर्क पब्लिश कराया था, नेचुरल प्रोसीडिंग ऑफ सॉरी एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वो जर्नल मैंने आपको क्या बोला, वो बहुत पॉपुलर जर्नल नहीं था, छोटा मोटा ही जर्नल था, बहुत पॉपुलर नहीं था, उसका ज्यादा कॉपी नहीं बिकता था, और उसमें मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश करा दिया था, ठीक है। तो एक कारण यह माना जाता है कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। जब उन्होंने कुछ बहुत बड़ा पॉपुलर में जर्नल में पब्लिश नहीं कराया, तो बहुत सारे लोगों तक तो वर्क पहुंचा ही नहीं होगा जो उसको समझने के लायक भी होंगे उस टाइम, उनके तक पहुंचा नहीं तो समझेंगे कहां से, एक कारण ये है। दूसरा, कई सारे लोगों ने मेंडल के वर्क को अप्रिशिएट भी किया था उस समय, उस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, और जिन लोगों ने मेंडल की बातों को समझने का प्रयास किया, उन्होंने मेंडल से क्वेश्चन भी किया कि मंडल साहब ठीक है आप सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप जो ये बार बार फैक्टर फैक्टर कह रहे हैं कि फैक्टर होता है, कोई ना कोई कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ये फैक्टर कहाँ होता है, ऑर्गेनिम्स के अंदर कहाँ है ये फैक्टर, आप पी प्लांट में बात कर रहे हैं कहाँ है फैक्टर, उसका लोकेशन क्या है बताइए, कहाँ है वो, उसका केमिकल नेचर क्या है। मंडल बोले नो आइडिया। तो जब नो आइडिया, तो जो लोग मंडल को सपोर्ट कर रहे थे वो भी सपोर्ट करना बंद कर दिए, बोले जब आपको पता नहीं है कि आपका फैक्टर क्या है कहाँ है, तो फिर आप बात क्या कर रहे हो, फिर तो आप बस नॉनसेंस बातें कर रहे हो। वो भी उनको साथ ही दिए, वो भी उनकी बातों को तजुर्बो नहीं दिए, हटा ये क्या, इनको तो पता ही नहीं कि ये फैक्टर क्या होता है, फिर ये क्या फैक्टर फैक्टर बोल रहे तब से हटाओ। एक कारण ये माना जाता है डेनिस का। और भाई मेंडल बताए भी कहां फैक्टर, मेंडल तो साहब बायोलॉजी के आदमी नहीं थे, वो तो मैथमेटिकल अप्रोच से बोल रहे थे, और बाद में उनकी बात सत्य साबित हुई कि हेलो क्या बात है बोलो ना, तो क्या किया जाए, एक मिनट रुको। हाँ, तो फिर उन साथियों ने भी, मतलब उन जिन्होंने मेंडल को समझा थोड़ा बहुत भी,
वो भी बोले जब आपको पता ही नहीं कि आपका फैक्टर क्या, तो क्या बात है बताओ। ठीक है, दूसरा, कुछ लोगों ने तो मेंडल की बातों को बहुत हद तक समझने का प्रयास किया, बहुत हद तक, वही सेमिनार में, कहीं वो तो पूरा साइंटिस्ट का पूरा एक बड़ा मीटिंग होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने समझा, मेंडल की बातों को समझा भी सही, जिसको मेंडल फैक्टर कहते थे, आज की डेट में अब उसको जीन बोला जाता है। तो मेंडल बार बार कहते थे कि ये फैक्टर पेयर में होता है, पेयर में होता है, और ये आपस में क्या करता है, ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, ऐसा वो कहते थे। मगर उस समय के जो साइंटिस्ट थे कई सारे, उन्होंने बोला मेंडल से, मेंडल साहब को बात बताइए, आप जो ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर पेयर में मिलता है, माना फैक्टर पेयर में मिलता है जो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करता है, ये जो आप बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, जो कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है, ये वेरिएशन किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? आप पढ़ेंगे आगे कि अलील भले ही प्योरिटी आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करता है, लेकिन जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो उस पेयर और फैक्टर के कॉम्बिनेशन की वजह से ही देखने को मिलता है। तो मेंडल तो भाई बायोलॉजी का आदमी नहीं थे, वो तो ज्यादातर क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाए, वो तो बस अपना बात रखे और निकले वहां से। तो ये जो दो बड़ी बात है कि मेंडल ना तो अपने फैक्टर का फिजिकल एग्जिस्टेंस बता पाए कि वो कहाँ है एक्चुअल में फैक्टर, आज भले उसको हम जीन कहते हैं, आज हमें पता है कि वो जीन कहाँ है, वो तो बाद में ना पता चला है अदर साइंटिस्टों के द्वारा पता, और ना ही वो ये बता पाए कि ये जो फैक्टर ब्लेंडिंग नहीं करता है, ये बात उस टाइम के साइंटिस्ट, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है कॉन्टेम्प्रेरीज, इसका मतलब होता है सेम टाइम के साइंटिस्ट जो वर्क किए, उन लोगों ने इस बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या हुआ? हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी कारण है मेंडल के हिडननेस का। फिर आप बोलेंगे कि सर 1901 के बाद ऐसा क्या हो गया कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दे दिया गया? वो आप कल जब मेंडल का वर्क समझेंगे ना, तब आपको समझ आएगा क्या हुआ था ऐसा। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एक बात बता देता हूँ कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, उन्होंने क्या क्या लिया था। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया था, मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया था। एक मिनट,